मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 के लिए खास प्लान तैयार किया है। पार्टी की रणनीति है कि 2018 की तुलना में 2023 में कम से कम 10% वोट ज्यादा बढ़ाए जाए, और ये तभी होगा जब युवा और महिला वोटरों को साधा जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा और बीजेपी इसके लिए क्या करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। जिस प्रदेश में आधे वोटर युवा हो, उनकी ताकत कितनी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस अहमियत को सूबे के सियासी सूरमा भी समझते हैं, इसीलिए तो हर कोई इन्हें साधने की जुगत में लगा है। वैसे तो युवाओं को रोजगार के जरिए ही साथ लाना संभव है, मगर बीजेपी ने इसके साथ साथ कुछ और भी प्लान तैयार किए हैं। मसलन जिला स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा, यूथ कनेक्ट, यूथ सेंटर जैसे कार्यक्रम होंगे, तो वहीं रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा ताकि काम धंधे की भी व्यवस्था हो सके। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी का फोकस युवाओं पर ज्यादा क्यों है, तो इन आंकड़ों से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एमपी में करीब 5,34,00,000 वोटर हैं, इनमें से 2,75,00,000 वोटर युवा हैं, यानी आधे से ज्यादा वोटर युवा हैं। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी युवाओं को हर हाल में साथ क्यों लाना चाहती है, तो इसके पीछे भी वजह खास है। 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 41% था, तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.9% था। बीजेपी 1.5% वोट ज्यादा लाई थी, फिर भी 2018 में सत्ता से चूक गई थी, इसलिए 2023 में 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट है। और ये तभी होगा जब युवा और महिलाओं का साथ मिलेगा। हमारा चिंतन जो है, हमारी विशेषज्ञता जो है, वो युवा वोटों को साधने की भी अपने आप में रहती है। और युवा वोटों को साधना इसलिए कि जब हम बात करते हैं सबके साथ की और सबके विकास की, तो कहीं ना कहीं युवा उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो हमसे छूटना नहीं चाहिए। हम उनको साथ लेकर, उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको विकास देकर, समग्र भावना से आगे बढ़ा के, और साथ में उनका जो रोजगार और स्वरोजगार की समस्या है उसको भी साधते हुए लगातार हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब जो है, जिस तरीके से भी हमारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हम लोग तैयार करते हैं, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें युवा हमारा फोकस होना चाहिए। हालांकि इस रेस में कांग्रेस भी जुटी है, बावजूद इसके बीजेपी की रणनीति उसे बिना काम की लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर कोई भी कार्यक्रम कर ले, उससे कोई युवा नहीं जुड़ने वाला। सबसे बड़ा विषय जो है वो युवाओं के रोजगार का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, रोजगार दे नहीं पा रहा है, उनको एक सुरक्षित भविष्य दे नहीं पा रहा है, युवाओं के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी से युवा जो है वो छटक चुका है, और युवा इनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करने वाला। अक्सर पार्टियां चुनावों में सीटों का टारगेट तय करती हैं, लेकिन 2023 के लिए बीजेपी ने वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी का फोकस है कि हर हाल में 51% वोट शेयर हासिल किया जाए, और ये तभी होगा जब कम से कम 10% वोट प्रतिशत बढ़े। दीप्ति चौरसिया, टीम न्यूज़ स्टेट।